किसान भाइयों, छोटू कुकोटा A211N इसके बारे में हमारे भाई थोड़ा बताएंगे, थोड़ा बताना। ये ट्रैक्टर आपका 21 हॉर्स पावर है कुबोटा का। अच्छा 21। ये 211N ये 211 क्या है, न्यू स्टार सीरीज में आया है न्यू। अच्छा न्यू इससे स्टार। हाँ ये आपका ओपी मॉडल है जी। इसके अंदर जो मेन खास बात है, पहली बात तो इसके अंदर ये 5 साल की वारंटी में, 5 साल 2500 घंटे की वारंटी है इसकी भाई। हाँ ट्रैक्टर की तो 5 साल या फिर 2500 घंटे जो भी पहलो। ये आपका जो है इंजन जो है आपका 21 हॉर्स पावर कुबोटे का अपने इंजन में है। ये 2 सिलेंडर है 3 है बताया तो है, 3 सिलेंडर 2 सिलेंडर। ये आपका 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है। अच्छा अच्छा 3 सिलेंडर है 21 हॉर्स पावर। एक खोल के हाँ बताइए। ये आप देख सकते हो, ये रहा 3 सिलेंडर। ये तो कार में रखा जा सके हमारा। हाँ ये कार में आराम से। देखो 1 2 3 इसमें भी आपके डबल जार दे रखी है फिल्टर सफाई करने के लिए। 4x4 डबल जार 4x4। तो इतनी बैटरी बड़ी ट्रैक्टर की। हाँ ये 50 एम्पीयर की है, वो 80 एम्पीयर की है। तो ये आपका ऐसा गन्ना बोने के लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा इसकी कीमत क्या होगी? इसकी कीमत है 4,25,000 रुपये। एक्चुअली आपको बताओ, जैसे गवर्नमेंट छूट अनुदान दे रही है किसानों के लिए, है इसमें भी छूट है? छूट के दायरे में आता ट्रैक्टर हमारा, छोटा ट्रैक्टर। लेकिन छूट वही है कि एग्रीकल्चर से विभाग से करवानी पड़ती है आपको, लगभग आपकी 1,00,000 रुपये छोटी से मिल जाती है। लेकिन छूट के वो डॉक्यूमेंट जो लगाने पड़ते हैं आपकी कोटेशन बिल जब वो लास्ट में आता है। मैं विभाग में गया था वहाँ सर्किट हाउस में, तो उन्होंने बताया था छोटे ट्रैक्टरों पर 2 हेक्टेयर से ज़मीन ज़्यादा है तो 25%, उससे कम है तो 35% मिलेगी आपको। मैं खुद बात कर रहा था। तो किसान भाइयों, अगर आप टंच विधि से गन्ना बो रहे हो तो उसके लिए ये ट्रैक्टर लेना बहुत ज़रूरी है। कुबोटा बहुत बढ़िया कंपनी है मानी हुई। आपकी गेयर जो है ना, तीन गेयर का हाई लो मीडियम। अच्छा हाई लो मीडियम गेयर बक्सा इसके अंदर। अच्छा हाई लो मीडियम, हाई लो मीडियम गेयर बक्सा है। लेकिन 9 गेयर इसके आगे के, 3 इसके पीछे के हैं। अच्छा पीटीओ स्पीड भी इसके अंदर डबल है, 540/9 से 670 की पीटीओ है। ये 3 गेयर है, दोनों लीवर है। हाँ ये 3 है ना, 3 हाई 3 लो 3 रिवर्स। जरा जीप गाड़ी आती थी पहले 3 गियर होते थे, वही सिस्टम है। अच्छा ये क्या है जी? ये हाइड्रोलिक के लीवर है। एक तो होता है हाइड्रोलिक उठाने गिराने के लिए पोजिशन लीवर होता है, एक आपका ड्राफ्ट लीवर होता है जो हाइड्रोलिक की गहराई के लिए होता है। तो आपको दोनों लीवर के साथ है ट्रैक्टर आपका ये। अच्छा ये क्या है? ये आपका 4x4 का लीवर है। यहाँ ट्रैक्टर नीचे चलेगा आपका 2x2 चलेगा, ऊपर लगा दोगे उसको चारों पे एक साथ जान लगाएगा। और ये वही इंटरलॉक है जी। ये आपका डिफेंसर लॉक वही जो बड़े ट्रैक्टर में होता है। अच्छा दोनों पहियों एक साथ चलाना। जो ट्रैक्टर ने ख़त्म कर दिया ना, ये जो ट्रैक्टर ने कंपनी ने ख़त्म कर दी है, ये इसमें आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी जानकारी थी। तो सुनो किसान भाइयों, बहुत बढ़िया ट्रैक्टर, देखिए कितना शानदार छोटा ट्रैक्टर दिया है इसमें। 4x4 है, कुबोटा मेड इन जापान। मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ नहीं है, ये जापान ऊपर लिखा हुआ, तो इंजन भी लिखा होगा। ये देखो यहाँ पे, देखो ये मार्जर लिखा हुआ है, मेड इन जापान लिखा हुआ भी है। लिखा हुआ बिल्कुल तो सही कर रहे हो। तो इसमें भी है वो प्राइवेट जो फाइनेंस है, बिना कैसा होता है? भी सेम है, वही 35% जमा करना पड़ेगा, 65% आपका लोन हो जाएगा। इसकी भी सेम है। किसान भाइयों, अगर आप छोटा या बड़ा ट्रैक्टर लोगे तो 35% मतलब 35% में, ये मान लो 1,00,000 में 35,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। बाकी आपका प्राइवेट फाइनेंस ये खुद कर रहे हैं, इसका कोई फाइल खर्च नहीं है, कोई फाइल खर्च नहीं है, कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं। कोई नहीं, जैसा और जो ठगते हैं उनका इस पर इतना लगेगा, फलाना होगा, 15,000 फाइल खर्च है, ये कोई नहीं है, फ्री। और इंश्योरेंस भी फ्री है ना, कैश में इंश्योरेंस और आरसी फ्री है। यदि आपका कोई लोन पे नहीं निकाल के कैश में निकालता है, अच्छा। उसमें आरसी और इंश्योरेंस हम फ्री दे रहे हैं। फ्री दे रहे हैं, यानी कि दोनों आदमी के लिए फ्री सेवा है, 1 साल का इंश्योरेंस। तो दोस्तों आपको अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर लाइक करना और शेयर भी करना। नमस्कार।